अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। सुबह के बज रहे हैं 5 और अब हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ये है हमारी यात्रा का पहली सीढ़ी, यात्रा की पहली सीढ़ी। तो अब हम महादेव की जय घोष के साथ में आरंभ करेंगे। तो बोलो हर हर महादेव। पूरा अंधेरा, 5 बज रहे सुबह के, गिने चुने लोग दिखाई दे रहे हैं, आसमान में तारे दिखा, लेकिन मैं कैमरा इतना एडवांस नहीं कि तारे खींच ले। तो हम बढ़ रहे हैं। हम केदारनाथ से 12 किलोमीटर दूर हैं एज पर इंडिकेटर। अब देखें असल में कितना देर लगता है, कितना समय लगता है। स्पॉट पे आए हैं, उस स्पॉट को कहते हैं रामबाड़ा। रामबाड़ा अभी आगे है, वहां से एक रास्ता जाता है, यहाँ से वैकल्पिक मार्ग है। वैकल्पिक मार्ग कम चढ़ाई वाला है लेकिन थोड़ा लंबा है, और रामबाड़ा वाला जो मार्ग है वो थोड़ा चढ़ाई वाला है, डिफिकल्ट है। तो हम देख रहे हैं किस मार्ग से जाते हैं। ये कुछ वाहन वगैरह कुछ लेके जा रहा है, क्रेन वगैरह यहाँ पे दिख नहीं रहा। अभी क्या करूँ मैं, कैमरे की इतनी औकात है। सॉरी बॉस, मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता। चलो चिनूक हेलीकॉप्टर जा रहा है। और ये हमारे यूपी से आए हुए ट्रैकर फ्रेंड्स चॉपर खरीदने की बातें कर रहे हैं। चॉपर खरीदने की बातें, फ्यूचर प्लान्स। हाय बोलो। और भाई लोग ये हमारे ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं ज्यादा ही। और भाई नाम बोल दो अपने, याद रहे। जय जय अस्थाना। जय जय। और मेरा नाम है यश। यश। और मेरा नाम देवेंद्र। और मेरा नाम शुभम। शुभम। चलिए खूब जमेगा रंग। यहाँ पहुंचे है, वो जगह है रामबाड़ा। रामबाड़ा देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ कहते हैं 500-600 घर थे, कुछ इमारतें प्रलय के पहले की। अब पिछली बार मैं आया था तो मुझे पता नहीं था कि यही रामबाड़ा है, किंतु इस बार ये देखिए रामबाड़ा की स्मृति में, जहाँ पे लोग मारे गए थे उनकी स्मृति में यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ शायद। नहीं ना, पैदल चलना था यहाँ पे, कहीं तो बोर्ड था रामबाड़ा का। धूप पड़ रही है, सुनहरी धूप पर्वतों पर। इधर एक
अभी समय सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हमने सफलतापूर्वक कुछ 6 किलोमीटर शायद पार कर लिए हैं। अभी भी हमें 10 किलोमीटर चलना है। जय भोलेनाथ। ये हमारे ट्रैकिंग पार्टनर जो रास्ते में मिले थे, गिटार बजा रहे हैं। गिटार हमें इन भाई साहब की दुकान में मिली। काफी बढ़िया भाई, ट्राई करेगा? तोड़ना नहीं बस भाई, नया देना पड़ेगा इनको फिर। तो नीचे नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी एनर्जी जुटाई और हम ऊपर की तरफ फिर चढ़ दिए। रास्ते में हमने चाय पी, कुछ नए दोस्त बनाए जो धोखा देकर चल गए शॉर्टकट पकड़ के, और फिर एक गिटार बजा, कोशिश की गिटार बजाने की, वाहियात सा ट्यून बजाया। अभी हमें यहाँ जाना है, मेरे घूम घाम के आ चुके हैं केदार पर्वत के एकदम समीप, और वो जो पहाड़ है वही एक लास्ट चढ़ाई है, उसे पार करने के बाद हम मंदिर के सामने होंगे। ये देखिए गौरीकुंड यहाँ से है 9 किलोमीटर, मतलब हमें अभी 6 किलोमीटर और चलना है। ये जो स्थान देख रहे हैं, यहाँ पे जून महीने में बर्फ का एक दीवार हुआ करती थी, वहां से पानी दिखता था। इस समय बर्फ की दीवार नजारद है, हालांकि एंड ऑफ सीजन है, सर्दियों का समय करीब है। और ये रहा, और हमारे पार्टनर्स कहाँ गए? उसके पार, अजाड़ी के पार। मैंने पिछली बार की तरह फिर से मुख्य मार्ग छोड़ दिया है और एक शॉर्टकट, मतलब थोड़ा कठिन है लेकिन वो शॉर्टकट मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि यहाँ से जो दृश्य दिखाई देता है वो भाई साहब एकदम कमाल का है।